Hello everyone, welcome back to Off-Road Civil channel. Today I am going to explain you densification and polishing of concrete floor. Densification is also known by retroplating and burnishing. It is a process by which the surface of the concrete is ground and polished. Using a penetrating hardener to yield a surface that exhibits reflectivity and increased abrasion resistance. It makes the surface to shine like crazy, which is also long lasting and sort of permanent. All one have to do is wash it with water to maintain it. Instead of coating the surface with organic solids, densifiers, sodium, potassium, lithium, silicates react with the concrete itself. This reaction fills in the natural pores and voids in the concrete and provides a dense hard surface that is easy to clean. The concrete is densified internally and inorganically. There is nothing to wear off the surface, nor is there anything to replace. The same reaction also makes the surface much harder and resistant to abrasion. In addition, the floor surface is rendered free of dust. Types of finish: 800 grit satin finish that will reflect images from side lighting, 1500 grit semi gloss finish that will reflect overhead and side images from 35 to 45 feet with increased light reflectivity, 3000 grit high gloss finish that will reflection of side and overhead images. If you are watching Off-Road Civil channel first time, please subscribe now. Please watch this video till the end. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बर्निशिंग का फुल प्रोसेस स्टेप वाइज मैं दिखाने वाला हूं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर रखें, और इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तब जाकर आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैं अभी ग्राउंड फ्लोर पे हूँ और इसी फ्लोर को जो है बर्निशिंग करने वाले हैं। तो फ्लोर जो है ड्राई एंड क्लीन होना चाहिए और 28 डेज कंक्रीट जो है ओल्ड होना चाहिए, मतलब कि 28 दिन पुराना होना चाहिए, ठीक है, तब जो है बर्निशिंग शुरू करते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चीप मेटल ग्रिड पैड है ये, जो 60 नंबर, 100 नंबर, 200, 400, 800, 1500, 3000 ये जो है नंबर है, इसको ही जो है यूज करके बर्निशिंग कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। तो स्टेप वाइज जो है मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके बाद जो है मैं आपको बता दूं कि जो बर्निशिंग मशीन जो होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बर्निशिंग मशीन है, इसमें जो है छोटी भी आती है, बड़ी भी आती है, ठीक है, अलग अलग जगहों पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है मशीन यूज़ किया जाता है। और जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है तीन लगा हुआ है ग्रिड पैड, ठीक है, वन टाइम में जो है तीन ग्रिड पैड यूज़ करते हैं। अगर 60 कर रहे हैं तो 360 का ग्रिड पैड यूज़ करके जो है बर्निशिंग करते हैं। तो ये मशीन आप देख रहे हैं, इसी मशीन से जो है हम लोग बर्निशिंग करने वाले हैं। तो आप जो है इस वीडियो में बने रहेंगे तब जाके जो है आपको सीखने को मिलेगा। वन बाई वन मैं आपको दिखाऊँगा कि बर्निशिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब जो है बर्निशिंग शुरू होती है, तो उससे पहले क्या करते हैं कि जो फ्लोर है, जो भी डस्ट है, एक्स्ट्रा मटेरियल है, उसको जो है फ्लोर से रिमूव कर लेते हैं, और मतलब कि क्लीन कर लेना है आपको फ्लोर को। बर्निशिंग शुरू करने से पहले फ्लोर जो है क्लीन होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी देख रहे हैं ये जो फ्लोर है, ये सारे पे जो है बर्निशिंग होगी। तो फाइनली आप यहां पे देख सकते हैं कि 60 नंबर का रिजिन ग्रिड पैड यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्रिड पैड है यूज़ करते हैं, और जो है वाटर जो है पानी भी जो है डालते हैं, फ्लोर पे डाल देते हैं, ताकि जो है टॉप पे जो सरफेस पे जो डस्ट हो या जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल हो वो लूज हो जाए और ईजिली जो है ये रिमूव हो जाए, ठीक है। और
जहाँ पे भी जो है अंडुलेशन हो फ्लोर में या रफनेस हो, तो फर्स्ट जो है 60 नंबर से करते हैं ताकि जो इजली जो है उसको रिमूव कर दे। जब रिमूव कर दे और 60 नंबर जब यूज़ हो जाए, इससे कंप्लीट जब सारे फ्लोर पे चल जाए, तब जो है 100 नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप जो है वीडियो में बने रहिए ताकि जो है मैं आपको दिखाऊं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी जो है डाल रहे हैं, ठीक है। तो जो है ये प्रॉपर तरीके से जिस पैनल पे करना है वहीं पे जो है पानी आप डाल ले, और जो है ये मशीन जो है आप 60 नंबर का यूज करके आप चलाएं, ठीक है। तो ये अभी जो है बिल्डिंग के बैक साइड में अभी चल रही है प्रोसेस। तो फाइनली आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है जो पैनल पे चल रही थी वो कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे पैनल पे जो है ये 60 नंबर का ही अभी चल रहा है। ये 60 नंबर कंप्लीट हो जाएगा तब जो है 100 नंबर का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको जो है ये बर्निशिंग का जो है एडवांटेजेज होता है इसका मैं बता दूं आपको, कि जो कंक्रीट जो होता है हार्डन होता है, जो हार्डन सरफेस जो टॉप सरफेस होगा वो उसको हार्ड कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो है सरफेस का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है उसको इंक्रीज कर देता है, और सरफेस का जो है इंपैक्ट रेजिस्टेंस जो है उसको भी इंक्रीज कर देता है। तो आप जो है देख रहे हैं ये बिल्डिंग का जो है दूसरे साइड में भी ये बर्निशिंग चल रही है। तो जो है मैं अभी बता रहा था आपको एडवांटेजेज इसका, ये जो है डस्टिंग से जो है प्रिवेंट करता है, और एब्रेशन रेजिस्टेंस जो है ये भी इंक्रीज करता है, जो फ्लोर का जो एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है इंक्रीज हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। उसके बाद जो है लो मेंटेनेंस, जो फ्लोर का जो मेंटेनेंस होता है वो लो हो जाता है। उसके बाद जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, हाई ड्यूरेबिलिटी होती है, जो फ्लोर का जो है ड्यूरेबिलिटी जो है ये हाई हो जाती है, और जो है केमिकल सॉल्वेंट रेजिस्टेंस होता है, जो भी केमिकल सॉल्वेंट है उसको भी रेजिस्ट करता है। उसके बाद जो है बेटर लाइटिंग, रिफ्लेक्टिविटी ऑफ फ्लोर कैन रिड्यूस लाइट कॉस्ट, तो जो है ये लाइट कॉस्ट को भी जो है रिड्यूस कर देता है रिफ्लेक्शन के वजह से, ठीक है। उसके बाद जो है केमिकल रेजिस्टेंस भी होता है। उसके बाद जो है इसका जो एडवांटेजेज है, ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है, ठीक है। तो आपको जो है मैंने एडवांटेजेज बताया आपको बर्निशिंग का, कि इसका क्या क्या एडवांटेजेज है, ठीक है। तो आप जो है वीडियो में बने रहें, मैं एक एक पॉइंट को जो है एक्सप्लेन करूँगा। देख रहे हैं यहाँ पे जो है दूसरे साइड में भी बर्निशिंग चल रही है। ये जो है अलग अलग जो है जगह पे अलग अलग मशीनें चल रही है। ये जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया है अलग अलग डेट पे किया गया है, तो आप जो है सिक्वेंसली जो है वीडियो आप देखेंगे कि यहाँ पे ही चले, फिर जैसे एक पैनल में था वहीं पे 60, 100 मैंने एंड तक चले, तो ऐसा नहीं है। लेकिन 60 नंबर 100 नंबर सारे फ्लोर पे यूज़ कर रहे हैं अभी, उसके बाद जो है 200 का यूज़ करेंगे, फिर केमिकल भी डालेंगे, सब बताएंगे आपको केमिकल कौन सा डालेंगे वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो इसके बाद जो ये 60 नंबर जो है कंप्लीट हो चुका है सारे फ्लोर पे, अब जो है 100 नंबर यूज़ करेंगे। तो
तो ये जो देख रहा है ग्रिड पैड, ये सेट कर रहे हैं, ये 100 नंबर का है, ये 100 नंबर का तीन जो है ये इसमें फिक्स किए और मशीन में जो है फिक्स करेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं ये जो मशीन में कैसे ये फिक्स कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको मैं दिखा दूँ। तो इनके जो है मशीन जो है, मशीन के जो जहाँ पे ये ग्रिड पैड यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कैसे ये फिक्स कर रहे हैं। इस तरह जो है आपको, अगर आप कर रहे हैं तो आप भी इस तरह जो है फिक्स कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 100 नंबर ग्रिड पैड से जो है ये बर्निशिंग कर रहे हैं। जब ये बर्निशिंग कंप्लीट हो जाएगा तब जो है ब्रिस्टम ब्रोम ब्रश के हेल्प से जो है इसको क्लीन करेंगे, ठीक है। क्लीन करने के बाद जो भी इसके वाटर होगा उसके हेल्प से जो है ये क्लीन कर देंगे, रिमूव कर देंगे वाटर को। करने के बाद जो है 2 से 4 घंटे तक जो है इसको ड्राई के लिए छोड़ देंगे। तब जो है इस पर केमिकल अप्लाई करेंगे, हार्डनर जो होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा केमिकल यूज़ करने वाले हैं और उसका क्या प्रोसेस है, केमिकल कैसे यूज़ करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें, एक एक जो है पॉइंट आपको क्लियर करूँगा। तो बर्निशिंग का जो है एप्लीकेशन जो है यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ जो है बर्निशिंग करते हैं, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वेयर हाउस में करते हैं, फैक्ट्रीज में करते हैं, रेस्टोरेंट्स में करते हैं, एयरपोर्ट्स हैंगर्स में करते हैं, स्टेडियम में करते हैं, ठीक है, कन्वेंशनल हॉल में करते हैं, कॉलेज स्कूल में करते हैं, हॉस्पिटल में करते हैं, ऑफिस में, मल्टीपल पर्पज़ कम्युनिटी सेंटर में करते हैं, ठीक है। तो इस जगहों पे जो है बर्निशिंग जो है किया जाता है। तो जो है मैं आपको जो है एप्लीकेशन भी बता दिया। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो है साइट पे जो है, अभी देखिए कैसे जो मैं आपको बताया था ब्रिस्टल ब्रोम जो है ब्रश से कैसे ये जो वाटर को जो है कैसे ये रिमूव करते हटाते हैं, ये जो है ब्रिस्टल ब्रोम ब्रश है, देखिए इसी के हेल्प से जो है ये एक्सेस वाटर जो भी है फ्लोर से उसको बाहर करते हैं, ठीक है। तो जो 100 नंबर का जो है ग्रिड पैड अभी यूज़ कर रहे हैं, जब ये पूरे फ्लोर पे जो है कंप्लीट हो जाए तब जो है ब्रिस्टल ब्रोम ब्रश के हेल्प से एक्सेस वाटर को जो है रिमूव कर देंगे, क्लीन कर देंगे और जो है फिर जो है ड्राई के लिए जो है सूखने के लिए 2 से 4 घंटे के तक जो है छोड़ देंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, सूख जाएगा, तब जो है केमिकल अप्लाई करेंगे। तो जो है अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा केमिकल यूज़ करने वाले हैं और जो है केमिकल का क्या प्रोसेस है, कैसे उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो है अभी जो है ये 100 का जो ग्रिड पैड जो है अभी यूज़ हो रहा है, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब अभी मैं आपको बता दिया कि 2 से 4 घंटे तक सूखने के बाद जो है तब जो है इस पर केमिकल अप्लाई करते हैं। तो अब लेकर आपको मैं चलता हूँ केमिकल की तरफ कि कौन सा केमिकल है और कैसे यूज़ करेंगे। तो जो है केमिकल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक्सेल डेंसिफायर केमिकल है, ये जो है केमिकल है, इसी केमिकल को जो है यूज़ करेंगे साइट पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेल डेंसिफायर कंक्रीट हार्डनर एंड डेंसिफायर, ठीक है। ये केमिकल जो है, ये जो है 5 गैलन के बराबर होता है, ठीक है, और 18.32 लीटर होता है और इसका जो सेल्फ लाइफ है 24 मंथ के लिए होता है फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, जो मैन्युफैक्चर का डेट है उसके अगले 24 मंथ तक जो है, महीने तक जो है ये चलता है। इसको स्टोर जो है आप कूल एंड ड्राई प्लेस पे कर सकते हैं और जो है जो इसका
टेम्परेचर का जो रेंज होता है 4 से 38 डिग्री सेल्सियस के रेंज में आपको जो है इसको रखना होता है। एक्सेल डेंसिफायर जो केमिकल होता है इसको आप टेम्परेचर जो है 4 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको रखते हैं। और जो है ये बहुत हार्मफुल केमिकल है, ये इसमें जो है आपको बहुत जो प्रिकॉशन होता है ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिकॉशन जो है, ये जो है अवॉइड ब्रीदिंग डस्ट, डू नॉट ईट ड्रिंक और स्मोक व्हेन यूजिंग दिस प्रोडक्ट, वॉश थ्रोली आफ्टर हैंडलिंग, वियर प्रोटेक्टिव ग्लोव्स, वियर आई प्रोटेक्शन, फेस प्रोटेक्शन, ये जो है आपको जो है प्रिकॉशन ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये केमिकल जो है आप देख सकते हैं इसमें जो है कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। कोई भी केमिकल लें तो पहले उसका जो है प्रिकॉशन देखे, उसका जो है प्रोसीजर देखे, ठीक है, तब जो है केमिकल को जो है ओपन करें, कि ओपन कैसे करेंगे ये सब देखना होता है। ये जो है सोलोमन कलर्स INC जो है ये कंपनी था। अब जो है मैं केमिकल मिक्सिंग का प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये केमिकल को जो है ओपन कर दिया गया है, और जो है ये केमिकल है, और ये जो है जो पोटेबल वाटर है, जो वाटर फ्रेश वाटर होना चाहिए, और जो रेशियो जो मेंटेन करते हैं 1:1 का करते हैं, ठीक है। अगर जो है एक बकेट में जो है केमिकल है तो एक बकेट वाटर होना चाहिए, 1:1 रेशियो मेंटेन करना है। और जो है ये भी डिपेंड करता है कि फ्लोर जो है किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप वाटर का रेशियो जो है आप इंक्रीज कर सकते हैं। 1:2 भी लेते हैं, 1:3 लेते हैं, ये जो है इसको डाइल्यूट जो है करते हैं, क्योंकि जो है अगर ज़्यादा जो है इसका जो डाइल्यूशन जो है कम है तो फ्लोर पे जो है ये इजीली जो है ये जो पोर्स होते हैं वॉइड्स होते हैं उसमें जो है सोखने का जो है ये एब्जॉर्ब का जो है कैपेसिटी जो है कम रहता है, इसलिए जो है इसको जो है डाइल्यूट करते हैं, वाटर का रेशियो जो है 2:3 इंक्रीज करके इसको जो है पतला करते हैं, ताकि जो है इजली जो है इसका जो पोर है वॉइड है इजली जो है फिलअप हो जाए, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात कि आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये केमिकल है इसको फ्रीज होने के लिए अलाउ ना करें, कहीं ऐसा मिनिमम टेम्परेचर पर ना रखें कि फ्रीज हो जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि आप प्रिकॉशन पढ़ लेंगे, सारा प्रिकॉशन लिखा हुआ है, मैं जो है यहाँ पे देख सकते हैं प्रिकॉशन, ठीक है। इसके बाद जो है इसके प्रॉपर जो है अच्छी तरह से जो है ये केमिकल को जो है मिक्स कर लेंगे, देन जो है फ्लोर पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये भी मैं आपको अब दिखाऊंगा कि फ्लोर पे कैसे ये अप्लाई करेंगे, तो आप बने रहें वीडियो में, प्लीज़ आप बोर ना हो, ये वीडियो थोड़ी लंबी है। तो देखें यहाँ पे जो है ये केमिकल को जो है ये अप्लाई कर रहे हैं, देख सकते हैं कैसे ये केमिकल को अप्लाई कर रहे हैं। इस तरह जो है आपको करना है, यदि आप अगर साइट पे काम कर रहे हैं या करा रहे हैं, तो कोई ऐसा जगह हो जो छूट ना जाए, प्रॉपर ध्यान रखना है कि कोई जगह छूटना नहीं चाहिए जहाँ पे केमिकल, कहीं ऐसा जगह हो जो केमिकल छूट ना जाए, हर जगह केमिकल आपको डालना है। और ब्रिस्टल ब्रोम ब्रश जिससे जो है ये देखिए कैसे ये कर रहे हैं, इसको जो है ब्रिस्टल ब्रोम ब्रश है, ये केमिकल देखिए कैसे ये अप्लाई कर रहे हैं। इस तरह जो है आपको अप्लाई करना है,
ये लोग जो है एक्सपर्ट हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ये लोग बर्निशिंग का काम इस साइट पे किए हैं। और फाइनल जो है, फाइनल भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह जो है दिखेगा। ये 3000 ग्रिट पैड यूज़ होगा इसमें, इंड तक जो है ना 3000 ग्रिट पैड यूज़ होगा, हाई ग्लोसी होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 3000 जो है ग्रिट पैड जो है हाई ग्लोस में यूज़ करेंगे। तो आप जो है बने रहें वीडियो में और देखते रहें कैसे जो है स्टेप वाइज जो है इसका शाइनिंग जो है कैसे आएगा। अभी जो है ये केमिकल जो है ये 160 and 100 के बाद डी अप्लाई कर रहे हैं। फिर जो है इस पर ग्रिट पैड जो है चलाएंगे, 200-400 का चलाएंगे। फिर जो है 200-400 चलाने के बाद जो है फिर केमिकल अप्लाई करेंगे, दो बार केमिकल अप्लाई करेंगे। ये अब ये जो 60 और 100 पे करने के बाद कर देंगे, फिर 6 से 10 घंटे के लिए छोड़ देंगे सूखने के लिए। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब जो है 200-400 ग्रिट पैड यूज़ करेंगे। फिर जब कंप्लीट हो जाएगा फिर उसको सूखने के लिए जो है जो ग्रिट पैड जब यूज़ करते हैं उसको कंप्लीट हो जाता है तब सूखने के लिए 2 से 4 घंटे छोड़ते हैं, जब केमिकल यूज़ करते हैं तो 6 से 10 घंटे तक छोड़ते हैं। ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टेप वाइज आपको बताऊँगा। तो देख रहे हैं फाइनली जो है ये केमिकल यहाँ पे जो है अप्लाई हो चुका है, और जो है देख रहे हैं केमिकल अप्लाई होने के बाद इस तरह दिखेगा। ठीक है, अभी जो है आपको शाइनिंग अभी नहीं दिखेगा क्योंकि इस पे 200-400 चलेगा तो कुछ शाइनिंग आना शुरू होगा। तो ये जो है फाइनली जब ये केमिकल अप्लाई कर देंगे तब जो है इसको ड्राई के लिए 6 से 10 घंटे के लिए छोड़ देंगे। देन जो है 200 और 400 ग्रिट पैड यूज़ करेंगे। तो अभी जो है ये बैक साइड में अभी ये केमिकल अप्लाई कर रहे थे, तो देखिए ये किस तरह जो है दिख रहा है। ये जो है लाइक जेल की तरफ दिखेगा। यही जो है स्ट्रेंथ को जो है टॉप लेयर को जो है स्ट्रॉन्ग करता है। और जो मैं आपको बताया था कि इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज जो है जो मैं आपको बताया था कि ये एब्रेशन रेजिस्टेंस को जो इंक्रीज करता है, इंपैक्ट रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है, मतलब ये हार्ड करता है, टॉप लेयर जो है इसका हार्ड हो जाता है। और जहाँ पे ये जो बर्निशिंग चल रही है ये फैक्ट्री है, यहाँ पे जो है ये मशीनें रहेगी। ठीक है, और टूल्स वगैरह रहेंगे, तो जो है फ्लोर पे अगर वो गिरता है तो स्क्रैच नहीं आएगा क्योंकि ये जो है केमिकल इसीलिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो फाइनली जो है आप देख सकते हैं कि हर जगह जो है ये काम हो रहा है, जैसे कि बैक साइड में आपको दिखाया था, अब जो है फ्रंट साइड की तरफ जो है दिखा रहा हूँ, पूरे फ्लोर में जो है ये काम चल रहा है। तो प्रॉपर तरीके से जो है ये केमिकल अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह जो है केमिकल यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई हो चुका है। अब जो है ये मैं बताया था कि 6 से 10 घंटे जब कंप्लीट हो जाए तब जो है आपको 200 का ग्रिट पैड यूज़ करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली जो है 200 का ग्रिट पैड जो है ये यूज़ होने वाला है। तो ये सेट कर लेंगे, उसके बाद जो है ये
रन करेंगे इसको, तो मैं आपको दिखाया कि 200 का जो है ये ग्रिड पैड जो है यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सेट कर दिए हैं, मैं आपको जो है दिखाया ये 200 का और 400 ग्रिड पैड यूज़ करेंगे। तो जो है यहाँ पे जो देख सकते हैं कि 200 का ग्रिड पैड जो है यूज़ हो रहा है, इस तरह जो है सारे फ्लोर पे जो है 200 का चलेगा। और वाटर को भी यूज़ करते हैं इसमें साथ में, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, साथ साथ जो है इसको यूज़ करेंगे, ग्रिड पैड जो है चलाएंगे और साथ साथ जो है ब्रिस्टल ब्रोम ब्रश के हेल्प से जो है एक्सेस वाटर को, जो भी मलवा होगा, जो भी निकलेगा इसमें से मटेरियल, सारे को रिमूव करके बाहर आपको निकालना है फ्लोर से। फ्लोर से बाहर उसको निकाल के इकट्ठा करना है, वहाँ से जो है आपको वेस्टेज जो भी आएगा उसको आप बाहर, वेस्टेज जगह जहाँ पे जगह है उसको रखा गया वहाँ पे इसको रख देंगे, मतलब कि क्लीन रखना आपको। तो ये 200 का चल रहा है, इसके बाद जो है 400 का चलेगा, ग्रिड पैड जो है 400 का यूज़ करेंगे, देन फिर केमिकल यूज करेंगे। तो देखिए कैसे ये जो है इसको मूव कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 200 का ग्रिड पैड यूज़ हो चुका है, उसके बाद जो है अब ये 400 का ग्रिड पैड यूज़ कर रहे हैं। अब जो है ये 400 का ग्रिड पैड जो है यूज़ करेंगे, पूरे फ्लोर में करेंगे ये। जब ये कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, तो फ्लोर को जो है 2 से 4 घंटे के लिए ड्राई के लिए छोड़ देंगे, देन जो है केमिकल अप्लाई करेंगे, जो कि मैं आपको पहले बताया था कि कौन सा केमिकल अप्लाई करेंगे, वहीं सेम प्रोसेस जो है ये 400 के बाद अप्लाई करेंगे, मतलब दो बार ये एक्सेल डेंसिफायर केमिकल अप्लाई करेंगे, 60-100 चल जाएगा उसके बाद, फिर 200-400 चल जाएगा उसके बाद, ठीक है, दो टाइम ही इसको केमिकल अप्लाई करना है फ्लोर में। उसके बाद जो है जब 400 का कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ जो है आपको शाइनिंग दिखना शुरू हो जाएगा। तो फाइनली जो है यहाँ पे जो है 400 का ग्रिड पैड चल चुका है और ये ड्राई भी हो चुका है और ये रेडी है केमिकल अप्लाई होने के लिए। तो जो है आप देख सकते हैं कि शाइनिंग आना अब शुरू हो चुका है, आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं शाइनिंग आपको दिख रहा है। अब केमिकल अप्लाई करेंगे, फिर जो है 800 का ग्रिड पैड चलाएंगे तो शाइनिंग जो है प्रॉपर तरीके से दिखने लगेगा आपको। अब ये केमिकल है और ये केमिकल जो है अप्लाई करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है ब्रिस्टल ब्रूम ब्रश के हेल्प से जो है ये केमिकल अप्लाई कर रहे हैं, और जो है प्रोसीजर सेम रहेगा जो आपने 60-100 के बाद देखा, सेम वैसे ही प्रोसीजर जो है 200-400 के बाद चलेगा ये प्रोसीजर। बस ये ध्यान रखना है कि केमिकल जो है कम से कम 6 से 10 घंटे तक सूखना चाहिए। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। जब फाइनल जो है बर्निशिंग प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो देख सकते हैं कि मशीन जो है, जो बर्निशिंग मशीन है, इसके पास में नहीं पहुंच पाता है, उसका जो है ये पैड है नहीं पहुंच पाता है। तो कम से कम जो है जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग
से 100-150 तक जो है छूट जाता है, तो वहाँ पे जो है मैनुअली जो है ये मशीन से जो है ये बर्निशिंग करते हैं। सेम प्रोसेस जो है जैसे बड़ी वाली मशीन से कर रहे हैं वैसे ही जो है छोटी मशीन जो आती है मैनुअली करने के लिए उससे करेंगे। स्कॉटिंग हो गया, कॉलम के पास हो गया, ये सब जगह पे जो है छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। बड़ी वाली मशीन से छूट जाएगा 100 के आसपास जो है डिस्टेंस जो है स्कॉटिंग से छूट जाएगा, तो आपको मैनुअली कराना है। और ये बर्निशिंग वाले जो हैं करते हैं, ठीक है, आपको कहने से पहले ही जो है ये करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हाँ यहाँ पे जो है बर्निशिंग जो है 100-150 डिस्टेंस तक जो है नहीं हो पाया है, तो ये मैनुअली करते हैं। तो जो है ये प्रॉपर जो है केमिकल अप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो है ये 800 का जो है ग्रिट पैड यूज करेंगे। तो आप बने रहिए और देखते रहिए वीडियो को। मैं वीडियो इसलिए स्किप नहीं कर रहा हूँ ताकि जो आपको लगे कि ये जो प्रोसेस है, जो काम चल रहा है, प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, आपको दिखने को मिलेगा वीडियो में। स्किप करके दिखाऊंगा तो हो सकता है कि कुछ ऐसा पॉइंट हो जो छूट जाए, आप देख ना पाएँ। तो आप बने रहिए और देखते रहिए। देखिए ये जो है ब्रिस्टल ब्रोम ब्रश के हेल्प से किस तरह जो है ये केमिकल को अप्लाई कर रहे हैं, इसी तरह जो है आपको अप्लाई करना और कराना है, ठीक है। तो इस तरह जो है पूरे पैनल पे जो है ये केमिकल अप्लाई करेंगे, पूरे फ्लोर पे अप्लाई जब कर लेंगे तो इसको जो है 6-10 घंटे तक जो है इसको ड्राई के लिए छोड़ देंगे। तो आपको जो है 10 घंटे तक ड्राई के लिए छोड़ना है, मिनिमम 6 घंटा और मैक्सिमम 10 घंटा जो है आपको ड्राई के लिए छोड़ना है। तो आप 10 घंटे के लिए ड्राई के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद जो है ग्रिट पैड यूज़ करेंगे 800 का। तो मैं आपको दिखा रहा था बैक साइड में, अब जो है ये फ्रंट साइड की तरफ जो है ये सेम प्रोसेस चल रहा है। केमिकल अप्लाई जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब उधर कंप्लीट हो गया तो अब इधर ये कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इधर कंप्लीट हो चुका है। शाइनिंग भी जो है दिख रहा है आपको। बैक साइड में जो है ये देख सकते हैं केमिकल अप्लाई हो चुका है। अब आपको दिखाएंगे कि 800 ग्रिट पैड यूज करेंगे इसके बाद। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है जो ग्रिट पैड है 800 है, ये जो बट्टी बोलते हैं, तो इसको जो है अब अप्लाई कर रहे हैं ये। तो देख सकते हैं कि ये जो है बैक साइड में मैं आपको दिखा रहा था अप्लाई से पहले 800 का ये अप्लाई करेंगे, इसके बाद जो है शाइनिंग आना प्रॉपर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये 800 ग्रिट पैड जो है ये
अप्लाई कर रहे हैं। और जो है ये जो आपको दिख रहा है ये केमिकल नहीं है, ये पानी है, वाटर है। वाटर जो है पहले अप्लाई करना है, देन जो है ये वेटेड करके जो है फ्लोर को वाटर से जो है वेटेड करके जो है 800 का ग्रीट पैड जो है अप्लाई करना है, ठीक है। और साथ साथ में जो है ब्रिस्टल ब्रूम ब्रश के हेल्प से जो है एक्सेस वाटर जो भी मलवा है उसको बाहर करते रहना है, फ्लोर पे रहने नहीं देना है, फ्लोर से बाहर कर देना है, ठीक है। अब जो है ये 800 का चल चुका, जो है 1500 का जो है ग्रिड पैड जो है अब चलाएंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये चेंज कर रहे हैं, 800 को हटा रहे हैं और ये 1500 को डाल रहे हैं, यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। तो ये 1500 का जो है ग्रिड पैड जो है फिक्स हो चुका है, अब जो है ये चलेगा इस फ्लोर पे, 800 के बाद जो है 1500 का चलेगा। देख सकते हैं कि 800 पे जो है आपको शाइनिंग दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब जो है ये 1500 का चल रहा है, जो मशीनें हैं ये सामने जो चल रहा है ये भी 1500 का है, और जो है ये अभी फिक्स किए हैं ये भी 1500 का जो है, अब जो है 1500 का प्रॉपर जो है इस पर चलाएंगे। तो फ्लोर पे जो है शाइनिंग जो है आपको दिख रहा है, ये हाई ग्लॉसी जो है करने वाले हैं, तो आपको फाइनल में दिखाएंगे आपको। तो देख सकते हैं आपके सामने जो है शाइनिंग दिख रहा है किस तरह जो है रिफ्लेक्शन, जो है आपको रिफ्लेक्शन के हेल्प से जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह शाइनिंग दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1500 जो है बहुत जगहों पे जो है चल चुका है, अब जो है कुछ जगह जो बचा हुआ है जिस पे चल रहा है, अब शाइनिंग जो है प्रॉपर आपको दिख रहा होगा किस तरह जो है शाइनिंग आ रहा है फ्लोर पे। जब ये 1500 का कंप्लीट हो जाएगा तब जो है 3000 का ग्रिड पैड यूज़ करेंगे और उसको चलाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3000 का जो है ये ग्रिड पैड जो है फिक्स कर रहे हैं, जब फिक्स हो जाएगा तो है इसको जो है रन करेंगे पूरे फ्लोर पे जो है इसको चलाएंगे 3000 का जो ग्रिड पैड है, जब पूरे फ्लोर पे कंप्लीट हो जाएगा चल जाएगा तब जो है ब्रिस्टल ब्रूम ब्रश के हेल्प से जो है और वाटर के हेल्प से फ्लोर को क्लीन कर लेंगे, देन जो है शाइनर अप्लाई करेंगे। शाइनर जो है शैम्पू की तरह आता है, वो भी बताऊंगा आपको मैं और दिखाऊंगा कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3000 का जो है ये पैड जो है ग्रिड पैड जो है अप्लाई हो रहा है, चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से जो है ये शाइनिंग जो है आ रहा है फ्लोर पे, ये हाई ग्लॉसी जो है बर्निशिंग हम लोग कर रहे हैं।
3000 तक का जो है हाई ग्लोसी है। इस तरह जो है प्रॉपर तरीके से जो है ये चलाना है इसको। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है किस तरह जो है रिफ्लेक्शन के हेल्प से जो है किस तरह जो है यहाँ पे शाइनिंग दिख रहा है आपको। तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शाइनर है जो कि फ्लोर शाइनर है। इसमें जो है वाटर को मिक्स करेंगे, 1:1 मेंटेन करना है। मेंटेन करके जो है इसको प्रॉपर तरीके से जो है शाइनर को और वाटर को मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाए, प्रॉपर तरीके से मिक्स होने के बाद जो है ये आपको फ्लोर पे अप्लाई करना है। तो फ्लोर पे जब अप्लाई करेंगे आप, जबकि 3000 का जो है ग्रिड पैड आप चला चुके हों, प्रॉपर फ्लोर का क्लीनिंग हो चुका हो, तब इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये शाइनर जो है प्रॉपर रेडी है, अप्लाई होने के लिए रेडी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है किस तरह जो है ये वाइपर के हेल्प से ये इसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जब ये शाइनर प्रॉपर अप्लाई हो जाए, पूरे फ्लोर पे अप्लाई हो जाए, उसके बाद जो है जब ये ड्राई हो जाए, सूख जाए, तब जो है आपको माइक्रोफाइबर पैड्स इस पर चलानी है। जिस तरह जो है ग्रिड पैड आपने चलाया, उसी तरह जो है माइक्रोफाइबर पैड्स इस पर चलाना है। जब ये माइक्रोफाइबर पैड्स चल जाएगा, तब जाके जो है बर्निशिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो उसके बाद जो है आपको दिखेगा शाइनिंग जो है प्रॉपर आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो आपको मैं अब दिखाऊंगा कि माइक्रो फाइबर पैड्स जो है ये किस तरह चलाएंगे। सेम प्रोसेस है ग्रिड पैड चलाने के जैसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये माइक्रो फाइबर पैड्स जो है अब ये अप्लाई कर रहे हैं, चला रहे हैं। जब ये चल जाएगा, तब जाकर जो है ये प्रोसेस कंप्लीट होगा और जो है शाइनिंग आपको प्रॉपर तरीके से जो है दिखने लगेगा, ठीक है। तो आप देखते रहिए और बने रहिए किस तरह जो है ये अप्लाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपने जो है इस वीडियो को एंड तक देखा, आपको जो है बर्निशिंग का जो डेंसिफिकेशन है, इसका प्रोसेस जो है आपको पूरी तरीके से जो है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप जो है इस वीडियो को स्किप नहीं किए होंगे तो आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो है मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं और इस चैनल को अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जो है जब भी मैं सिविल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है ये बर्निशिंग का प्रोसेस था, पूरे वीडियो में जो था बर्निशिंग का प्रोसेस था ये। इसके बाद जो है ये फाइनल जब आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह जो दिखाई देगा, तो इस तरह जो है फ्रेंड्स, जो है यदि आप साइट इंजीनियर हैं और साइट पे काम कर रहे हैं और बर्निशिंग का जो है आपको साइट पे वर्क को जो है एग्जीक्यूट कराना है, तो जो है आपको जो है ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो जो है आप देख सकते हैं जो है ये माइक्रोफाइबर पैड्स जो है ये कंप्लीट जो है इस पे अब जब चल जाएगा तो फिर किस तरह दिखेगा। अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये जो है फाइनल है, ठीक है। ये फाइनल जो है आपको
बर्निशिंग का जो है फाइनल स्टेज है, इस तरह जो है बर्निशिंग जो है आपको फाइनल स्टेज में शो होगा। तो देख सकते हैं कि ये जो है इस पर जितना जो है वाइपर लगेगा, जितना ये क्लीन करेंगे, इसको सफाई करेंगे, उतना जो है इस पर रिफ्लेक्शन आएगा, लाइट आएगा और चमकेगा, शाइनिंग आएगा। ठीक है, ये जो है एक दिन पहले जो है इस पर ये कंप्लीट हो चुका था, इस पर जो है मूवमेंट हुआ तो जो है इस पर डस्ट वगैरह दिख रहा है आपको, ये जो है अभी डस्ट है इस पर, तब भी जो है इसमें शाइनिंग जो है पूरी तरीके से दिख रहा है। ठीक है, इस पर जितना जो है ये क्लीनिंग करेंगे, इसको जितना वाइपर लगाएंगे, उतना जो है इस पर शाइनिंग आएगा। तो फ्रेंड्स जो है आपने जो है पेशेंस रखा और वीडियो को देखा, इसके लिए जो है मैं आपको थैंक्स बोलूँगा। ठीक है।